अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट प्लीज। हाय गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पिज़्ज़ा। अब पिज़्ज़ा बच्चों को बहुत पसंद होता है, आपको भी पता है, तो आज हम बनाएंगे होममेड पिज़्ज़ा। क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है और आप समझ सकते हैं कि बाहर कीजिए बच्चों के लिए नॉट सेफ एंड नॉट हेल्दी। ओके, तो आज हम बनाने वाले हैं घर पर पनीर पिज़्ज़ा, पनीर टोमेटो ऑनियन पिज़्ज़ा। ठीक है, तो आप देखिएगा इसके लिए किस तरीके से मेरे को बेस चाहिए। ये मैंने देखिए बेस लिया हुआ है, ये मैंने प्याज काटी हुई है स्लाइसेस में, देखिएगा चौकोर चौकोर स्लाइसेस, इसके लिए मेरे इस टाइप के चाहिए थे। ये शिमला मिर्च, ये मैंने एक टमाटर काटा हुआ है, ये है मेरे पास पिज़्ज़ा टॉपिंग। आप कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं, मैंने वीवा की ली हुई है। और हमें चाहिए इसके लिए मोज़रेला चीज़, ठीक है, क्योंकि चीज़ के बिना पिज़्ज़ा का मज़ा सोचना मुश्किल है, इसीलिए चीज़ पिज़्ज़ा, इसलिए हमें चाहिए मोज़रेला चीज़। इससे काफ़ी अच्छा वो आता है टेक्स्चर। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं पिज़्ज़ा। मैंने पिज़्ज़ा बेस ले लिया, इस पर मैं ये पिज़्ज़ा टॉपिंग लगाऊंगी। देखिएगा पिज़्ज़ा टॉपिंग आप इस पर अच्छे से लगाइए, चीज़ टॉप में वो लगा लिया पिज़्ज़ा टॉपिंग। अब इस पर हम डालेंगे प्याज, कुछ अच्छे से लगाइएगा, देखिए इस तरीके से। और कुछ शिमला मिर्चेस पीसेस इस तरीके से, और कुछ टमाटर ये अच्छी तरीके से इस तरीके से लगाइए कि ये सारे तरफ बिखर के आए, देखिएगा इस तरीके से। जितनी आप अच्छे से वेजेस लगाना चाहें उतना लगा सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, देखिएगा इस तरीके से। ठीक है, अब हम इस पर डालेंगे पनीर, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, पनीर एंड चीज़, क्योंकि हम बना रहे हैं पनीर चीज़ पिज़्ज़ा। तो ठीक है, देखिएगा इस तरीके से, देखिएगा। ठीक है, अब हम डालेंगे इस पर चीज़, अब हम इस पर देखिएगा चीज़ घिसेंगे। चीज़ अच्छे से डालिएगा क्योंकि इसमें जो मेन टेस्ट आता है वो चीज़ का ही होता है, देखिएगा इस तरीके से। देखिए गाइस, ये मैंने अच्छी तरीके से चीज़ वगैरह लगा के तैयार कर लिया बिल्कुल। अब हम इसे बनाएंगे ओवन में। देखिए, मैं माइक्रोवेव ओवन में बने ये ज़रूरी नहीं है, मैं बना रही हूँ। देखिए मेरे पास ये गैस वाला तंदूर है, मैं इसमें बना रही हूँ, ये मैंने प्री हीट किया हुआ है पहले सेम गैस पर। अब हम इसमें रखेंगे अपना पिज़्ज़ा। ठीक है, इसमें भी बहुत अच्छा बनता है, अगर आपके पास गैस वाला ओवन नहीं है तो कोई बात नहीं, निराश ना होइए, आप इस पर बनाइए। अगर ये भी नहीं हो तो आप तवे पर बना सकते हैं इसको। ओके, देखिएगा अब हम इसको रखेंगे इस तरीके से और बिल्कुल सिम पे, ठीक है, ताकि इसकी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो सके। अब हम इसको ढक के रखेंगे करीबन 10 मिनट के लिए। हाँ, देखिएगा इसमें मुझे 10 मिनट लगभग हो चुके हैं और ये मेरा देखिएगा पिज़्ज़ा बनके रेडी है गर्मा गर्म। देखिएगा इसकी चीज़ देखिए कितना अच्छे से मेल्ट होके आई है। और अब हम इस पर डालेंगे हल्का सा नमक, देखिएगा स्प्रिंकल इस तरीके से बिल्कुल हल्का सा डालना है आपको, और चीज़ चिली फ्लेक्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं खाने के, इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। ये आपके ऊपर है कि आप कितना डालना चाहें और किस तरीके से डालना चाहें। ठीक है, देखिएगा इस तरीके से, ठीक है। और थोड़ा सा ऑर्गेनो, तो क्या है कि उसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और ये मुझे पर्सनली, मैं बताऊँ आपको, मुझे ये बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादातर डिशेज में इसका वो करती हूँ, यूज़ करती हूँ। तो देखिएगा मेरा पिज़्ज़ा बनके तैयार है, देखिएगा। अब आप इसे खिलाइए आपके अपने बच्चों को, और आप भी खाइए और मुझे बताइए कमेंट्स में कैसा बना। सो प्लीज़ गाइस, लाइक शेयर कमेंट्स एंड शेयर और सब्सक्राइब, और मुझे बताइएगा कैसा बना। ओके, और आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। सो हैव अ गुड डे।